स्टूडेंट्स, बच्चे इतिहास में जो हम चैप्टर अगला ले रहे हैं उसका एक हिस्सा हम ले चुके हैं पहले। ठीक है, इसमें हमने जो चरवाहों का, ठीक है, या जंगलवासी जो थे उनके बारे में, जो वनवासी जो है उनके बारे में पढ़ा, और किस तरह से औपनिवेशिक काल में जो है जंगलों को काटा गया और उसमें खेती करने का जो है सरकार का जो प्लान था, जो योजना थी, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब उसी पोर्शन में हम आगे बढ़ते हैं, पटरी पर स्लीपर। स्लीपर का अर्थ मैंने आपको भी बताया था कि जो लंबी लंबी पटरियां आती हैं ट्रेन की, रेल की, उसके बीच में जो आपने देखा होगा लकड़ी की जो पट्टियां होती है उसको स्लीपर कहा जाता है। अब इन स्लीपर के लिए लकड़ी तो चाहिए, लकड़ी कहाँ से आएगी, जंगलों से आएगी। सोचो स्लीपर बनाने के लिए कितने पेड़ काटे गए थे, क्योंकि एक सामान्य, अगर अपन बात करते हैं सामान्य जो पेड़ होता है, ठीक है, उसमें कम से कम 3-4 स्लीपर, 3 से 5 स्लीपर जो है बन जाते हैं, और यहाँ तो इतनी लंबी जो है स्लीपर चाहिए, जरूरत चाहिए इतनी लंबी जो है पटरियां बिछेंगी। सोचो कितने पेड़ों को काटा गया होगा। तो यहाँ पर 19वीं सदी के आरंभ में यहाँ पर हम बात करते हैं एक वृक्ष है, ठीक है, ओक जिसको कहते हैं बलूत का वृक्ष, वो धीरे धीरे लुप्त होने लगा था, क्योंकि उसकी जो लकड़ियां थी, यूरोप की बात करें, वो लकड़ियां जहाज बनाने के काम में आती थी, शाही सेना के काम आती थी, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी होती, मतलब बहुत टिकाऊ होती थी, बहुत अच्छी लकड़ी होती थी, और एक ये जो है ना आकर्षण का शाही उसका जो है मानी जाती थी ये लकड़ी। अब ये अगर लुप्त हो जाते हैं तो फिर सेना के लिए या शाही सेना के लिए ये निर्माण कैसे होगा जहाजों का, और जहाजों का निर्माण नहीं होगा तो ये सत्ता में अपना वर्चस्व कैसे बनाए रखेंगे। तो एक समय ऐसा आया कि इसका इतना ज्यादा उपयोग किया गया जहाज बनाने में कि ये लुप्त हो गए। तब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कमी हो गई तो चलिए और कहीं अपन चलते हैं और कहीं देखते हैं, जैसे अब मैंने बात की थी उपनिवेश की। तो इन्होंने क्या किया, 1820 में एक अन्वेषण है, खोजी दल होते ना जो वहां पे जाकर के लोकेशन देखते हैं कि हाँ भाई कहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है, कहाँ पे जो है धन का भंडार है, कहाँ खनिजों का भंडार है, कहाँ जल का भंडार है, ठीक है, कहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, कहाँ पे जंगल है। तो एक खोजी दल होते हैं, तो सिर्फ एक अन्वेषकों का जो है दल इन्होंने हिंदुस्तान भेजा ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पे हमको क्या क्या जो है संपदा मिल सकती है। और यहां से इन्होंने फिर हिंदुस्तान से लकड़ी का निर्यात करना शुरू कर दिया यहाँ आए, ठीक है। और यहाँ पर जो इन्होंने अपने यहां संपदा देखी तो उस संपदा को जो इन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए निर्यात करना शुरू कर दिया। 1850 में रेलवे लाइन का प्रसार हो गया, नई मशीनें लगी। तो देखिए अब रेल लाइन आने लगी तो आप सोचो कितने पेड़ जो है वो इस्तेमाल करने लगे। लकड़ी की मांग बढ़ी, क्योंकि अभी मैंने जिक्र किया था स्लीपर बनाने हैं, स्लीपर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, ठीक है। अब ये अनिवार्य हो गया क्योंकि रेलवे लाइन जरूरी क्यों है, क्योंकि शाही सेना का आगमन जो होगा, आवागमन होगा, ठीक है, औपनिवेशिक व्यापार है उसके लिए भी इनको जो है ट्रेनों की जरूरत पड़ेगी, मतलब अपने सैनिकों को आने ले आने के लिए, ठीक है, उनके आवागमन के लिए, अपने मतलब जो चीजें उनके आने जाने के लिए इनको रेल लाइन चाहिए थी। तो ये इनके लिए क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। अब इंजन है, इंजन को भी ईंधन की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी जो है इनको चाहिए, चाहे कोयला हो चाहे लकड़ी हो, है ना, स्लीपर के लिए तो चाहिए चाहिए। तो ये यहाँ पर बता दें कि 1 मील लंबी रेल पटरी बननी है ना, उसके लिए जो है 1700 से लेकर के 2000 तक के स्लीपर की जरूरत पड़ती है 1 मील लंबी जो है रेल लाइन बनने के लिए। तो ये कहते हैं अगर 3 मीटर लंबी लाइन में जो कहते हैं एक पेड़ से 3 से 5 स्लीपर बन सकते हैं तो 1 मील लंबी लाइन के लिए सोचे कितने मरेंगे, कितना नुकसान है। तो ऐसे क्या हो गया, अंधाधुंध जो है पेड़ जो है वो काटे जाने लगे। अब भारत में रेल लाइन का जाल बिछा दिया गया, रेल लाइन जो है हर जगह जो है यहाँ पर कर दी गई। तो 1860 के दशक में जो है यहाँ पर 25,000 किलोमीटर लंबी जो है वो रेल लाइन है जो यहाँ पर बिछी थी, और 1946 तक आते आते ये रेलवे लाइन का प्रसार इतना ज्यादा हो गया कि इनकी लंबाई जो थी 7,65,000 के लगभग जो है इतने किलोमीटर इनकी लंबाई बढ़ चुकी थी, ठीक है। तो यहां से ये हजार से शुरू होकर के लाखों तक में पहुंच गई और रेल लाइन का विस्तार हो गया। विस्तार हुआ तो इतनी जो है आवश्यकता पेड़ों की पड़ने लगी।
तो एक समय तो जो मद्रास जो था, जिसको भी अपन चेन्नई कहते हैं, यहाँ पे रेजिडेंसी, यहाँ पर जो है 1850 के समय में कम से कम 35,000 पेड़ जो है वो काटे गए थे, किसके लिए? स्लीपर बनाने के लिए। ये आप देखिए कितना ज्यादा हमारा जो है जंगलों का दोहन इन्होंने किया, बहुत ज्यादा इसका इन्होंने। अपन अभी बात कर रहे थे वनों का विनाश, तो ये सारी लकड़ियां जो है चाहिए, तो इसके लिए क्या कटेंगे? पेड़ कटेंगे। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अभी इतने पेड़ कटने हैं, तो इसका काम इन्होंने ठेके पे दे दिया। जैसे कोई ठेकेदार था ना, उसका ठेका दे दिया कि भाई तुमको पेड़ काटने, ठेके पे कटाई का कार्य दे दिया गया। और ठेकेदार ने क्या किया, कटाई के कार्य के लिए वहीं के जो आदिवासी लोग थे उनको ये इस काम में नियुक्त कर दिया कि आपको पेड़ काटने। पर यहाँ देखिए कितनी पाबंदियां थी कि उन आदिवासियों को अपने खुद के घर के लिए भी लकड़ी ले जाने की अनुमति नहीं थी, कि वो अपने घर के लिए ले जाए या घर का कुछ बनाना और निर्माण करना, तो उसके लिए उनको बिल्कुल भी परमिशन यहाँ पर नहीं थी। वो अपने घर के लिए नहीं ले जा सकते, वहां जांच पर लकड़ी जो है वो की जाती थी। अब ये जो बड़े बड़े जो पेड़ काटे जा रहे हैं, तो कैसे इनका आवागमन हो, कैसे फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाए जहां सामान बनेगा जो भी, तो इनके बांस के बड़े बड़े लट्ठे जो होते हैं इसको नदियों में बहा दिया जाता था। आपको पता है नदी में लकड़ी डूबती तो है नहीं, तो आप अपने बुक में देखिएगा उसमें बहुत सारे ऐसे चित्र बने हुए कि लंबे लंबे जो है लट्ठे हैं या उसके कटिंग के जो है लकड़ी के जो है बड़े बड़े पीस वो नदियों में बहा दिए जा रहे हैं। जहां जहां जाना वहां इनको फिर वहां से नदी से निकाल लिया जाता था। कहीं कहीं जिक्र आया है कि गोदामों से जंगलों से, जंगलों से गोदामों में ले जाना है, गोदामों से कहीं और ले जाना है लकड़ियां। यहां से तो नदी से बात ही है, अब आगे तो वहां हाथियों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। हाथी जो है वो लकड़ियां उठा उठा करके जहां भी ले जाना होता था वहां वो ले जाते थे। अब ये हो गया कि भाई यहाँ पे लकड़ियां काटनी, लट्ठे काटने, लट्ठे काटने के लिए पहले जो व्यक्ति होता था जिसको काम सौंपा जाता था वो पहले वहां पे जाके निगरानी करता था, निरीक्षण। क्यों? क्योंकि निरीक्षण इसलिए कि जंगल ही नहीं है, वहां पे लकड़ियों को उठाने के लिए ट्रक भी तो जाएंगे, तो ट्रकों के लिए रास्ता भी चाहिए, तो कितना हिस्सा जो है ट्रकों के लिए साफ करना पड़ेगा। तो पहले तो क्षेत्र बनाए जाते हैं, तो एक क्षेत्र चुनाव हो गया तो चौड़ी सड़क बनाने के लिए वहां पर जगह खाली करवाई जाएगी, क्योंकि वहां पर ट्रकों का प्रवेश होगा। फिर ट्रकों से जो है ईंधन है, लकड़ी है या वनों के उत्पाद जो है ये ट्रकों में भर भर करके और कहा ले जाएंगे? शहर में। फिर शहर में जो फैक्ट्रियां है उससे वो और सामान जो है वो बनाएगी, या बंदरगाह पे ले जाया जाएगा, वहां से जो उनका निर्यात होगा। इस तरह से यहाँ पर जो है पूरा जो है प्रक्रिया चल रही थी। फिर 1.3 में पड़ेंगे बागान। बागान आपको पता है चाय कॉफी के भी होते हैं, रबड़ के भी होते हैं, तो यूरोप में चाय कॉफी और इनके रबड़ के बागान जो है वो बनाए गए। बागान के लिए भी जो है जगह पूरी साफ करवाई जाती है, वहां पर खेती की जाती है सबकी। तो इसके लिए क्या किया अपने वैश्विक सरकारों ने, अपने आप ही क्या किया इन्होंने, जंगलों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि अब जंगल साफ किए जाएंगे, अब इनकी खेती करनी है। बड़े बड़े कई कई जो है लंबे जो है यहाँ पर खेत बनेंगे, इनके बागान बनेंगे, और जंगलों पर पहले तो कब्जा कर लिया, फिर इन जंगलों को सस्ती सस्ती दरों में क्या कर दिया, यूरोपीय जो बागान के मालिक थे उनको सौंप दिया। अब आपके ऊपर है, आप यहाँ पे क्या करो, इनकी पैदावार करो। उस जगह की बाड़ाबंदी कर दी, मतलब किसी को भी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं, क्या ठेकेदार या जो बागान मालिक है वो वहां पर कार्य करेगा। और फिर यहाँ पे क्या कर दिया गया, जंगलों को बाड़ाबंदी करके साफ कर दिया गया, और फिर यहाँ पे साफ करके ये चाय कॉफी रबर की जो है वहां पर खेती करनी आरम्भ कर दी। तो ये पोर्शन अभी अपन ने इतना इसमें समझा, किस तरह से स्लीपरों को काट बनाने के लिए जंगल को काटा गया, फिर जंगलों को और क्यों काटा गया, क्योंकि इनको अपने लिए ये आवश्यकताएं थी, कहीं कहीं निर्यात करने के लिए जो सामान चाहिए इनको उसकी खेती कराने के लिए जंगल काटे गए। तो इस तरह से जो है इन्होंने बहुत ज्यादा जंगलों का जो है विनाश किया।